गाइस, सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सच में। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि आखिर सौरभ की मम्मी के साथ हुआ क्या था। मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को भी सौरभ की मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने जब भी उनको ब्लॉग में देखा है तो वो बहुत अच्छे से सबसे बात करती थी और वो बहुत अच्छी भी थी। तो हाँ, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि गाइज ये वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है या झूठी वीडियो नहीं है, ये चीज सच में हुई है। क्योंकि अगर मेरे को ऐसी झूठी वीडियो ही बनानी होगी इस टाइप की, तो मैं किसी यूट्यूबर के लिए बनाऊंगी, उसकी मम्मी या उसकी फैमिली के लिए कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो ये वीडियो बिल्कुल ही रियल है। और सौरभ की मम्मी के साथ क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज, ये जितनी भी चीजें हुई है ये सारी की सारी चीजें मुंबई में हुई है, और ये सारी चीजें हल्द्वानी में नहीं हुई है। सौरभ हल्द्वानी में रहते, वहां पर ये चीजें नहीं हुई है, ये चीजें हुई है मुंबई में। आपको पता होगा कि सौरभ अभी मुंबई गए हुए थे मितपैट की शादी में। अगर आपने उनकी ब्लॉग वगैरह देखे तो आपको पता होगा कि वो मुंबई गए हुए थे। तो मुंबई में जब वो मितपैट की शादी में गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मुंबई में आए ही हैं, यहाँ पे शादी को अटेंड करने आए ही हैं, तो यहाँ पे मुंबई में कुछ जो फेमस बीच वगैरह है वहां पे हम घूम के आते हैं। तो सौरभ ने डिसाइड किया और उसकी पूरी फैमिली ने कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं। तो वो लोग निकल गए थे वहां पे मुंबई की एक बीच पे घूमने के लिए। और गए, जब वो बीच में घूम रहे थे तो स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहा, सब लोग बीच पे अच्छे से घूमे, सबने खाया पिया। उसके बाद क्या हुआ कि सौरभ की मम्मी को कुछ भूख लगी थी, तो सौरभ की मम्मी ने वहां से बीच के साइड में कुछ चीजें बिक रही थी, तो वहां से सौरभ की मम्मी ने अपने लिए कुछ खरीदा। और वो चीजें और किसी ने नहीं खाई, बस सौरभ की मम्मी ने वो चीज खाई। पता नहीं वो चीज क्या थी, अभी तक ये बात मेरे को नहीं पता चल पाई है। मेरी बात हो रही है वैसे तो वहां पे लगातार, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं पता चली है कि उन्होंने खाया क्या था। बट उन्होंने कुछ तो खाया था जिसकी वजह से पता नहीं उनको क्या हुआ कि एकदम से वो कुछ खाते ही उनके पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हुआ, फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ हुआ। और जब तक उनको हॉस्पिटल लेकर जाते, लेकिन रास्ते में ही गाइज, रास्ते में ही पता नहीं कितने ज्यादा खतरनाक वो चीज थी, उसमें क्या गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ उनको रास्ते में ही गाइज। उनकी मम्मी बिल्कुल ही मतलब हमें छोड़ के चली गई। तो ये चीजें हुई थी, और ये चीजें जब से हुई हैं सौरभ भी बहुत ज्यादा मतलब मैं बता भी नहीं सकती वो क्या चीजों में है, क्या हालात है उनके। बट हाँ, मेरे को भी डेफिनेटली बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की मम्मी के फैमिली के साथ ऐसा हो। तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने विवेक से काम लें। एंड मैं आपको गाइस एक और चीज, एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले सौरभ जोशी की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपने देखी, ये जो बंदा है, ये इस बंदे के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी कि सौरभ की मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही है। ये बंदा हमेशा रोज सुबह उठ के इस तरीके की एक वीडियो बना देता है सौरभ की फैमिली मेंबर के लिए, कभी कुनाली के लिए, कभी पीयूष के लिए, कभी सौरभ की मम्मी के लिए, पापा के लिए, रोज ये किसी ना किसी के लिए वीडियो बना देता है। और ये इतनी ज्यादा बेकार वीडियो बनाता है, पता नहीं ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लगा पर्सनली इसकी वीडियो देखकर। बस इस बंदे से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप किसी की फैमिली के लिए ऐसी वीडियो मत बनाओ। मैंने इसकी उसके कमेंट्स में देखा था कि सब लोग बोल रहे थे पायल जोन का भाई, पायल जोन का भाई। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज यार, ऐसे लोगों को मेरा भाई आप लोग मत बनाओ, मेरे दोस्त मत बनाओ ऐसे लोगों को, क्योंकि भाई ये मेरे को देख के ऐसी वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं कभी भी किसी के मम्मी पापा के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ। और यूट्यूबर्स के लिए भी इस थंबनेल में मैं ऐसा लिखती हूँ, लेकिन ये वीडियो के अंदर भी वही चीजें बोल रहा है जो इसने थंबनेल पे लिखी हुई है। तो प्लीज यार, ऐसे लोगों को मेरा भाई मत बनाओ। और मेरे से ये बिल्कुल इंस्पायर नहीं है, ये ऐसे ही वीडियो बना रहा है शुरू से, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, इसके पास कोई सबूत भी नहीं है, बिना सबूत के ये बातें कर रहा है। तो प्लीज गाइस, ऐसे लोगों को इग्नोर करो आप, और इनकी वीडियोस को इनको मना करो कि ऐसी वीडियो ये लोग ना बनाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो का क्या मतलब है। ऊपर से आप लोग इनको मेरा भाई बोल रहे हैं, तो ऐसा प्लीज मत करो भाई। ये मेरे कोई भाई नहीं है, ये कोई सौरभ का हेटर होगा तो वो समझ में आता है, चलो आप सौरभ के हेटर हो, सौरभ के ऊपर वीडियो बना लो, लेकिन उसकी फैमिली के ऊपर मत बनाओ।